क्या ख्याल है कि पाकिस्तान कल जीत जाएगा या ऑस्ट्रेलिया सरवाइव करते हुए इस टेस्ट मैच को बचाने। जी सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा भाई जन आपसे, बताए जी वहां अजहर विकेट कोई नहीं, कल आप उसके आगे बात कर रहे हैं। सर मैं पहले सबसे पहले जो टीम सिलेक्टर है जो भी है मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुहावरे आज को इतने साल से परफॉर्म में नहीं था तो उसको जाने की सीजन क्यों लेके आए हैं जबकि बाहर इतने टैलेंटेड प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको जहाँ से लिख रहे हैं हमारे जो पुराने बॉलर हैं जो नकम्मा नकारा हो चुके हैं उनको क्यों लेके आ रहे हैं। एक आपके पास पेसर बॉलर है उसकी पेस 150 प्लस आ रही है यार को दिमाग ऐसे देखे पता क्या बोलो समटाइम ऐसा होता है आपको एक चीज पर एक ही साथ दोनों पैकेज नहीं मिलते कहीं का दिमाग होता है कहीं के पास पेस होती है तो इसलिए आपके पास पेसर दिमाग नहीं है तो क्या कर सकते हैं बोल तो करवानी है। सर ऑस्ट्रेलिया का बॉलर नहीं है ये पाकिस्तान में जितने भी आप शुआब अख्तर का बड़ा दिमाग था आप सोचे शाह उससे विकेट तो नहीं ले सकता लेकिन वो बॉलिंग में रिदम नहीं मुझे लग रहा क्या कह रहा है देखिए आप इसके बाद जी आपके पास जो तीसरा बॉलर है जी आज जो यासर शाह को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो अभी तक एक विकेट हासिल कर सके हैं क्या एक विकेट भी नहीं ले सकते वो। हाँ जी तो जुलम हुआ है देखे जी पूरी टीम उस पर रिलाई कर रही है दुबई में वो विकेट नहीं ले रहा तो आप उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खिलाएंगे क्या कर नहीं खिलाना तो पड़ेगा क्योंकि तो है आपने परफॉर्म किया आपने उसको बाइक निकाली जिन्होंने परफॉर्म किया उनको निकाल दिया तो वीक ओवर ने आखिरी मैच पे 150 के करीब स्कोर किया उसको बाइक निकाल दिया आज तक बेचारा विकेट क्रिकेट की दुनिया नहीं देख सका पाकिस्तान इंशाल्लाह चले अच्छी बात अगर कुछ कर ले वो हमारे लिए तो खुशी की बात है। जी सर आप बताएं पाकिस्तान कल को कितने पे आउट कर सर आपका क्या ख्याल सर आपका क्या ख्याल 150 और इंशाल्लाह कल इसके ऊपर दोबारा डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।